अब जो हमने अपना फैब्रिक कट किया है इसे स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम मेन फैब्रिक जो है हमारा वेलवेट उसे अटैच करेंगे फ्रंट और बैक के शोल्डर्स को एक साथ अलाइन करते हुए। यहाँ दोनों सीधी तरफ एक दूसरे के ऊपर रख के हम शोल्डर पर सबसे पहले एक स्टिच देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड्स को कट करेंगे एंड इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी यहाँ पर अटैच कर लेंगे। सिलाई करते समय ध्यान रहे कि आपने कौन से एरिया पर कितनी मार्जिन छोड़ी थी। मार्जिन से एक्स्ट्रा सिलाई ना करें वरना आपका गारमेंट छोटा हो जाएगा। अब शोल्डर्स अटैच करने के बाद अगर मैं अपना पैनल खोलूं तो इस तरीके से अब दोनों शोल्डर्स को अटैच करने के बाद मेरा फ्रंट और बैक पैनल एक साथ अटैच होने के बाद इस तरीके से यहाँ मैं हमारा आर्म होल मिल गया है। इस आर्म होल में अब हम अपनी स्लीव की प्लेसमेंट करेंगे। स्लीव के लिए हम बैक साइड की राइट साइड ऊपर रखते हुए स्लीव की राइट साइड इसके ऊपर प्लेस करेंगे। और कॉर्नर्स अलाइन करते हुए यहां पर हम कोने पे कर्व फॉलो करते हुए स्टिच देना शुरू करेंगे। जब हम शोल्डर के कनेक्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएं, तो हमें अपनी स्लीव का जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर बहुत छोटे छोटे कुछ गैदर्स क्रिएट करने हैं। ये गैदर इतने छोटे छोटे होने चाहिए कि ये सीधी तरफ दिखाई ना दें। ये सिर्फ हमारे शोल्डर का जो गोल पार्ट होता है वहाँ पर हमारी स्लीव ईजिली फिट हो जाए, इसलिए हम अपने गारमेंट पर देते हैं। अब यहाँ पे अगेन स्लीव के कॉर्नर का ध्यान देते हुए कॉर्नर से कॉर्नर आपको मिलाना है और अपनी कर्व की स्टिच कंप्लीट करनी है। तो इस तरीके से अब हमारे शोल्डर पर हमारी स्लीव अटैच हो गई है। यही प्रोसेस हम दूसरी तरफ भी रिपीट करेंगे। अब हमारे आर्म होल पे पहली स्टिच कंप्लीट करने के बाद एक फुटर के डिस्टेंस पे हम एक सेकेंड स्टिच देंगे। इससे हमारी सिलाई स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा इस सिलाई के बाद है इसे हम कट कर सकते हैं ताकि हमारा आर्म होल नीटली फिनिश हो जाए।
अब हम अपनी स्लीव की जो हेमलाइन है जो कि स्लाइटली कर्व्ड है उसे फोल्ड करके एक स्टिच देंगे। थोड़े थोड़े इंटरवल पर हम इसे पीछे की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिंपल स्टिच देंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टिच देने के बाद हम इसे दोबारा बैक साइड की तरफ फोल्ड करके एक स्टिच दोबारा से देंगे ताकि हमारे रॉ एजेस कंसील हो जाएं और इस तरीके से हमारी स्लीव की हेम नीटली फिनिश्ड हो जाएगी। इस तरह से हमारी स्लीव की राइट साइड अब एकदम नीटली फिनिश्ड है। यही प्रोसेस हम दूसरी स्लीव पर भी रिपीट करेंगे। अब हमारा आर्म होल और स्लीव्स की हेम फिनिश्ड है। नेक लाइन को फिनिश करने के लिए यहाँ मैंने एक एक्स्ट्रा पीस फैब्रिक लेके अपने टेबल पे फ्लैट ले किया है। अब मैं अपने कुर्ते को इस फैब्रिक के ऊपर ले करूँगा। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमारा कुर्ता एकदम फ्लैट ले हो और यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा गेपिंग ना हो रही हो। कुर्ते को फ्लैट ले करने के बाद यहाँ हम नेकलाइन की शेप को ट्रेस करेंगे। अब मेन फैब्रिक रिमूव करने के बाद यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 inch यानी लगभग 1.5 inch पर हम ये सेम शेप को रीड्रॉ करके कट करेंगे ताकि हम इसे नेकलाइन की फिनिशिंग के लिए यूज़ कर सकें। इसी तरह से मैं ये सेंटर के पार्ट को भी कट आउट कर लूँगा क्योंकि हमें सिर्फ ये 1.5 inch का बैंड यहाँ पर चाहिए। तो अब ये बैंड यहाँ हमें मिल गया है। अब हम अपने कुर्ते को अगेन फ्लैट ले करेंगे। इस बैंड को रिवर्स यानी उल्टी तरफ से हम अपनी नेकलाइन के ऊपर रख के इसे पिंस की हेल्प से जगह पर अटैच करके हम अंदर की तरफ एक सिलाई देंगे ताकि हम इसे बैक साइड में मोड़ के अपनी नेकलाइन को फिनिश कर सकें। इस पैच को प्लेस करने के बाद पिंस की हेल्प से मैं इसे जगह पर टैक कर लूँगा ताकि जब हम इसे सिलाई के लिए लेके जाएं तो ये मूव ना हो। जब भी हम वेलवेट जैसे चिकने कपड़े सिल रहे होते हैं जो फिसल सकते हैं तो हमेशा सेफ होगा कि आप उन्हें
जगह पर पिन कर लें ताकि सिलाई के टाइम आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जब हम इस तरीके से एक एक्स्ट्रा पैच को ऐड करके कॉर्नर पे स्टिच देके उसे रिवर्स साइड फोल्ड कर देते हैं तो इसे फेसिंग फिनिश कहा जाता है। अब हम इसके कॉर्नर्स पे स्टिच करेंगे। हम एक कॉर्नर से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में सिलते जाएंगे। इस एरिया को सिलते समय ध्यान रहे कि आप कपड़े को बहुत ज़्यादा पुल नहीं कर रहे हैं, वरना यहाँ पर झोल आ जाएगा। अब नेक लाइन स्टिच करने के बाद जो हमारा प्लंज नेक है यहाँ पर हम एक्सेस को स्टिच के एंड तक कट करके यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे ताकि इस शार्प पॉइंट पे हमें फैब्रिक को टर्न करना इजी हो। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम पीछे की तरफ टर्न करेंगे इस तरीके से और एक टॉप स्टिच देंगे जिससे हमारी नेकलाइन फ्रंट से फिनिश हो जाएगी और हमारे रॉ एजेस फ्रंट में रिवील नहीं होंगे। अब यहाँ पे मैं फैब्रिक को बैक साइड की तरफ फोल्ड करके एक शोल्डर पॉइंट से स्टिच करके अपनी पूरी नेकलाइन को इस तरीके से यहाँ फिनिश करूँगा। हमें फैब्रिक को अच्छे से पीछे की तरफ टर्न करना है और ध्यान देना है कि हमारा फेसिंग का फैब्रिक फ्रंट में शो नहीं होना चाहिए। इस तरीके की फिनिशिंग में अगर आप नहीं चाहते कि आपकी स्टिचिंग ऊपर शो हो तो यहाँ पर आप हाथ से भी टाके दे सकते हैं ताकि आपकी नेकलाइन पर कोई एक्स्ट्रा सिलाई शो ना हो। अब नेकलाइन फिनिश करने के बाद हम अपने गारमेंट की रिवर्स साइड से अपनी स्लीव को अलाइन करेंगे उसके दोनों एंड्स और अपनी साइड सीम पर स्लीव से लेके वेस्ट के एंड तक स्टिच देंगे ताकि हम अपने गारमेंट की साइड सीम को क्लोज कर सकें। तो यहाँ दोनों स्लीव के एंड्स को अलाइन करके मैं एक बेसिक स्टिच देना शुरू करूँगा। हमारी साइड सीम भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पर हमारी साइड सीम अंडर बस्ट के बाद एक स्लांट में कट है, तो मेक श्योर कि इसे सिलते समय आप फैब्रिक को ज़्यादा टाइटली पुल ना करें, यानी उसे ज़्यादा टाइटली खींचे नहीं, वरना आपके गारमेंट में साइड में झोल आ सकता है। यहाँ पर मैं मिड हिप तक जहाँ से मुझे अपनी स्लिट स्टार्ट करनी है वहाँ तक स्टिच दूंगा और उसके बाद आगे कंटिन्यू स्टिच नहीं करूँगा। इसी तरह से अब हम दूसरी साइड सीम पर भी अपनी स्टिच रिपीट करेंगे। अब साइड सीम को स्टिच करने के बाद स्टिच पे मैं एक स्लैश दूंगा और फ्रंट और बैक दोनों को सेपरेटली इस तरीके से एक पतली सी डबल फोल्ड देके इन पे हम कॉर्नर में फिनिश देंगे। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करके इसी तरीके से हम अपनी डबल फोल्ड को बॉटम हेमलाइन तक कंटिन्यू रखेंगे हमारी चारों स्लिट्स पर। इसी तरीके से हम अपनी चारों स्लिट्स फिनिश करेंगे। तो अब हमारा स्टिचिंग के बाद ये कुर्ता रेडी हो चुका है
फ्रंट और बैक दोनों से। आज के एपिसोड में हम इतना ही सीखेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं और देखते हैं कि हम इस कुर्ते को किस तरीके से एम्बेलिश कर सकते हैं।